हेलो दोस्तों, C++ प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखु बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये एक स्पेशल सीरीज है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर, और इस वीडियो लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर्स के ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूनरी ऑपरेटर्स है वो ऑपरेट करते हैं सिंगल ऑपरेंड के ऊपर, और नीचे दिए गए हुए एग्जाम्पल है यूनरी ऑपरेटर्स के। तो जो इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आता है यूनरी माइनस ऑपरेटर, फिर आता है यूनरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट करते ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके लिए उसको कॉल किया गया हुआ। नॉर्मली यूनरी ऑपरेटर अपीयर होते हैं ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड के अंदर, जैसे कि नॉट ऑब्जेक्ट, माइनस ऑब्जेक्ट और प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार जो है वो उसको हम यूज करते हैं पोस्ट फिक्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट माइनस माइनस। तो एक एग्जांपल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से माइनस ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स यूजेस के लिए। तो चलिए उस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया कि पहले क्लास बना लिया डिस्टेंस का, उसके अंदर प्राइवेट इंटीजर फिट और इंटीजर इंचिस के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर पब्लिक के अंदर क्या करता हूँ कि डिस्टेंस को जो है उसके अंदर फंक्शन को फीट इज इक्वल टू जीरो और इंचिस इक्वल टू जीरो कर देता हूँ। अब डिस्टेंस के अंदर क्या करता हूँ कि दो पैरामीटर्स रखता हूँ, इंटीजर एफ और इंटीजर आई। अब फीट इज इक्वल टू एफ, इंचिस इक्वल टू आई। क्या करता हूँ कि वर्ड, फिर से एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ वर्ड डिस्प्ले डिस्टेंस, और इसके अंदर क्या करता हूँ कि सी आउट एफ फीट और आई इंचिस। ठीक है, अब डिस्टेंस के अंदर क्या करता हूँ कि इसको ऑपरेटर को हम माइनस के साथ ओवरलोड करते हैं। क्या करते हैं कि फीट इज इक्वल टू माइनस फीट और इंच इज इक्वल टू माइनस इंचेस। रिटर्न क्या करता है कि रिटर्न डिस्टेंस फीट और इंचेस, रिटर्न कर दे डिस्टेंस फंक्शन के अंदर फीट और इंचेस को। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, डिस्टेंस का डी वन बनाते हैं और उसके अंदर 11 और 10 पास करते हैं। फिर डी टू बनाते हैं जिसके अंदर माइनस 5 और 11 पास कर देते हैं। अब माइनस डी वन करते हैं और डी वन डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस करते हैं। फिर माइनस डी टू करते हैं और डी टू डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस करते हैं। रिटर्न जीरो से प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो उसको अंदर पास किया था पॉजिटिव 11 और पॉजिटिव 10, तो यहाँ पर हमें वो नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि हमने इसको ओवरलोड किया है, जबकि हमने नेगेटिव 5 पास किया था वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमने दोनों ऑपरेटर को यहाँ पर आसानी से दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को ओवरलोड कर दिया है। तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर अवेलेबल है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो नीचे दिए गए एग्जांपल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यूजेस के लिए। इसी तरीके से आप जो है वो ओवरलोड ऑपरेटर यानी कि माइनस माइनस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, उसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम नाम का एक क्लास बनाया जिसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर आवर और इंटीजर मिनट। फिर पब्लिक के अंदर टाइम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसके अंदर आवर इज इक्वल टू जीरो, मिनट इज इक्वल टू जीरो कर दिया। अब टाइम फंक्शन को क्या करता हूँ कि टाइम के अंदर दो पैरामीटर पास करता हूँ, इंटीजर एच और इंटीजर एम। फिर आवर इज इक्वल टू एच, मिनट इज इक्वल टू एम कर देता हूँ। अब वर्ड डिस्प्ले टाइम के अंदर क्या करता हूँ कि सी आउट एच आवर्स सी आउट सॉरी एम और मिनट। अब क्या करता हूँ कि टाइम ऑपरेटर प्लस प्लस, टाइम के अंदर ऑपरेटर को प्लस प्लस कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि प्लस प्लस मिनट्स, मिनट को हमने प्लस प्लस कर दिया। इफ मिनट्स ग्रेटर देन 60, अगर जो मिनट 60 से ज्यादा होता है तो आवर के अंदर प्लस प्लस कर दीजिए और मिनट्स के अंदर 60 माइनस कर दीजिए। अब क्या करता हूँ कि रिटर्न टाइम और उसके अंदर आवर और मिनट। फिर क्या करता हूँ कि टाइम ऑपरेटर प्लस प्लस और इंटीजर, तो यहाँ पर टाइम टी इसके अंदर आवर और टी माइनस मिनट्स पास कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ मिनट्स को। अगर इसके बाद इफ मिनट ग्रेटर देन 60, अगर मिनट 60 से ज्यादा हो तो आवर के अंदर प्लस प्लस कर दीजिए, मिनट के अंदर 60 मिनट घटा दीजिए, रिटर्न टी कर दीजिए,
मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, टाइम का टी वन बनाता हूँ, इसके अंदर 11 और 59 पास करता हूँ, फिर टाइम टी टू बनाता हूँ जिसके अंदर 10 और 40 पास करता हूँ, फिर टी प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस टी वन, फिर टी वन डॉट डिस्प्ले टाइम, फिर से प्लस प्लस टी वन, टी वन डॉट डिस्प्ले टाइम, फिर टी टू प्लस प्लस, टी टू डॉट डिस्प्ले टाइम, टी टू प्लस प्लस, टी टू डॉट डिस्प्ले टाइम, रिटर्न जीरो से इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले के अंदर मैंने क्या पास किया था, 11 और 59। तो यहाँ पर वो 11 से 12 आवर्स हो गए, जबकि दूसरे के अंदर हमने 10 और 40 पास किया था, तो वो 10 और 41 और 42 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 12 0 और 12 1 मिनट हो गया, फिर 10 41 और 10 42 मिनट यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेक्चर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।